अनिल सुनार। यस मैम, यस मैम। यस, कौन कौन सी डिजीज है राइस की? फर्स्ट डिजीज कौन सी है? आवाज क्लियर नहीं है मैम मेरे उधर। किसी को भी क्लियर नहीं है? मैम इधर थोड़े यस संतोष, हाँ बताओ मैम। कौन कौन सी डिजीज राइस है? मैंने अभी ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट ब्राउन स्पॉट मैम। हेलो हेलो। अनिल, म्यूट योर सेल्फ। ओके, अभी मैं रिपीट कर रही हूँ। जो फर्स्ट राइस की डिजीज है वो है आपकी राइस ब्लास्ट, सेकंड ब्राउन स्पॉट, थर्ड इज बैक्टीरियल ब्लाइट, फोर्थ इज शीट ब्लाइट, फिफ्थ इज फॉल्स मट एंड सिक्स्थ इज टॉगरो डिजीज। इसमें आपके 5 डिजीजेज है। सबसे पहले 6 डिजीजेज है। इसमें आपको 5 6 में से कोई भी जो 5 डिजीज है वो आपको करनी है। सेम आप इसको रिपीट कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए भी, थ्योरी के लिए भी। ठीक है, अभी आपको जो इसमें से क्वेश्चन आएगा वो कैसे आ सकता है? जैसे राइस की 5 डिजीजेज है, तो आपको जो 5 डिजीजेज है सबसे पहले उसका जो, जैसे ये राइस ब्लास्ट है, तो राइस ब्लास्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पायरेक्लुरिया ग्रीसिया कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो, इसका नेम पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही आपको, जैसे आपकी 5 डिजीजेज है, 5 जो डिजीजेज है इनके आपको कॉजल, जो इनकी डिजीजेज के नेम, साथ में इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म और साथ में एक एक सिम्टम पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नेम दी नेम एनी 5 डिजीजेज ऑफ राइस विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्राइब एनी वन सिम्टम। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सेकंड आपकी सिलेबस में डिजीज है मेज की डिजीजेज है, तो मेज की डिजीजेज कौन कौन सी है? फर्स्ट डिजीज है स्टॉक रॉट। मैं अभी सिलेबस ही आपका ओपन कर देती हूँ। ओके, ये आपका जो फर्स्ट हम जो कर रहे थे अभी, आपको इनके सभी के क्या करने हैं? आप सिम्टम्स करोगे और मैनेजमेंट डिसीज साइकिल। ठीक है, फील्ड क्रॉप, सबसे पहली फील्ड क्रॉप है राइस। इसमें ये है 5 6 डिजीजेज दी हुई हैं। इनके आपको सभी को इनके सिम्टम्स 6 में से किसी 5 के जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे राइस ब्लास्ट है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये आपको सब पता होना चाहिए। जो सेकंड डिजीज है वो आपकी है मेज, मेज में है आगे फर्दर स्टॉक रॉट, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, यहाँ तक है 3 है इसकी। ठीक है, स्टॉक रॉट, डाउनी मिल्ड्यू एंड लीफ स्पॉट। तो इसमें से भी आपको कोई 2 जो डिसीज है वो टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सॉर्गम। सॉर्गम में स्मट, ग्रेन मोल्ड एंड एंथ्रेक्नोस। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा की जो डिसीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू एंड एर्गट डिसीज। उसके बाद है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में है अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट एंड विल्ट डिसीज। ये आपकी जो है, ये ऐसे लग रहा है ना कि आपको कि ये एमएसटी के पहले का ही है, लेकिन इसमें जो ये लिखा हुआ इसको डिटेल में है, लेकिन ये सिलेबस कम होगा अगर हम इसकी बात करें तो। ये आप अगर इसकी डिटेल में जाओगे सिंगल सिंगल डिसीज की, ये काफी ब्रॉड हो जाएगा आपका। और ये आपका है एमएसटी 2 के बाद। इसमें क्या है,
डायरेक्टली जैसे डिसीजेज के नेम दिए सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें सोयाबीन है, फिंगर मिल्ट है, इसमें जो डिसीजेज हैं ऑलमोस्ट वो हो जाएगी, सेम डिसीजेज भी आ जाती हैं वेजिटेबल की, फ्रूट्स की हैं, तो इसमें से भी एमएसजी के पहले आपकी जो आ जाएगी वो आपकी सोयाबीन। ओके यहाँ तक ये सोयाबीन की डिसीजेस, राइजोक्टोनिया, ब्लाइट, बैक्टीरियल स्पॉट, सीड एंड सीडलिंग, रॉट मोजाइक। उसके बाद है पिजन बी की डिसीजेज है, फाइटोपथारा, ब्लाइट, विल्ट एंड स्टर्टिलिटी मोजाइक। फिर फिंगर मिल्ट तक की आप कर लो, यहाँ तक की ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, ब्लैक एंड ग्रीन। ओके ये टोटल आपके पास जो डिसीजेज है अगर हम इनको काउंट करें तो ये 30 डिसीजेज हो सकती है। अगर फर्स्ट है आपकी राइस की, फिर है मेज की, उसके बाद है सॉर्गम की, उसके बाद है बाजरा, देन उसके बाद है ग्राउंड नट, उसके बाद है सोयाबीन, पीजन पी एंड फिंगर मिल्ट। टोटल ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर आपकी आएगी फिंगर मिल्ट। अभी इस जो 7 डिसीजेज है आपको प्रैक्टिकल के लिए भी सेम इसी में से, जैसे राइस की है इसी में से कोई 5 डिसीजेज है जो टिप्स पे होनी चाहिए, सेम मेज के लिए भी, सेम सॉर्गम के लिए भी। आपको जो सबसे पहले मेन फोकस है क्या होना चाहिए, अगर आप राइस ब्लास्ट की बात कर रहे हो तो सभी का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म आएगा। तो जैसे 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में राइस में क्या आएगा आपका, जो मैंने अभी बताया कि नेम एनी 5 डिसीजेज ऑफ राइस विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो ये डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अभी इसका आ सकता है जैसे राइजोक्टोनिया ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म लिख के कि ये डिसीज कौन से क्रॉप की है, ठीक है, कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है। फिर जैसे सॉर्गम है, इसका आ सकता है कि नेम एनी 3 डिसीजेज एंड विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। ऐसे भी आ सकता है कि बैक्टीरियल ब्लाइट है जो डिसीज राइस की, उसके आप राइट एनी 5 सिम्टम्स विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेन जो आपका है सभी के, आपको जो एक आप चार्ट ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट में आपको ऐसे ही दे दूंगी, इसमें क्या करोगे आप, जैसे राइस है, राइस की 5 डिसीजेज सबसे पहले लिखोगे, जो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने राइस की डिसीज करनी है, मेज की डिसीज करनी है, सॉर्गम की डिसीज करनी है, बाजरा, ग्राउंड नट, सोयाबीन, पीजन पी एंड फिंगर मिल्ट। आकाशदीप सिंह 818 रोल नंबर। बताओ कौन कौन सी हमने करनी है डिजीज 504 में। और मैम सबसे पहले मैम की आपकी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आवाज, बात चलो कोई बात नहीं। यहां तक किसी मैम को भी थोड़ा कोई सा कंफ्यूजन, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस मैम यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, ये पता चल गया कि आपको करना क्या है? यस मैम ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट फिर अब आते हैं। ओके फर्स्ट जो डिसीज है यहाँ पे, इन्होंने इम्पोर्टेंट डिसीजेज ही लिखी हुई है। सबसे पहले जो फर्स्ट डिसीज रहेगी हमारी वो है, आपने किसी और चीज पे नहीं जाना, जस्ट आप कॉजल ऑर्गेनिज्म पे रहोगे, ठीक है। फर्स्ट डिसीज है राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पायरेक्लेरिया ग्रीसिया।
पायरेक्लेरिया, इसको इसको कभी कभी जी को साइलेंट भी कर देते हैं, कुछ लोग ग्रेसिया बोल देते हैं, राइसिया भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट एक मिनट वेट करो। ओके, द फंगस अटैक ऑल्सो द लीफ शील्ड रैकेज एंड द जॉइंट्स ऑफ द कम एंड इवन द ग्लूम्स। सबसे पहले तो आपको इस पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, इससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये जो डिसीज है ये फंगस डिसीज है, जो आपकी कॉजल ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट डिसीज आप पढ़ रहे हो राइस ब्लास्ट। इस बार आपको जो सिलेबस में मेनली क्या किस चीज पे फोकस करना है कि आपके जो जैसे राइस है उसकी डिसीजेज होती कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है और जो वो डिसीज है वो सिम्टम्स कौन से शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट बार आप जो पढ़ोगे वो क्या करोगे, उसका प्रॉपरली सारा जो एक डिसीज है उसकी पूरी डिटेल पढ़ोगे। तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो डिसीज है वो फंगस है, वायरल है, कौन सी डिसीज है। तो इसमें आपको क्लियर, जो राइस ब्लास्ट डिसीज है वो क्या है, आपकी फंगस डिसीज है। वो जो प्लांट्स के हर एक पार्ट के ऊपर जो वो अपना अटैक करेगी। उसके बाद जो डिसीज है, डिसीज के जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे लीफ ब्लास्ट के। सबसे पहले हैं जो डिसीज अपियर ऑन द लीफ एंड द शीथ एज ए ब्राउन स्पिंडल शेप्ड लीजन्स। तो इसमें क्या है, जो इसका फर्स्ट जो सिम्टम्स ये शो करेगी डिसीज, लीजन्स की फॉर्मेशन, लाइंस के टाइप की फॉर्मेशन होगी। द फर्स्ट फैक्टर सिम्टम ऑफ द डिसीज अपियर ऑन द लीफ, जो राइस ब्लास्ट डिसीज है, ठीक है। ये सबसे पहले जो आप अपना इस डिसीज का नेम ही क्या है, राइस ब्लास्ट। तो सबसे पहले अगर राइस ब्लास्ट लीफ के ऊपर जो सिम्टम शो करेगी, लीफ के ऊपर अगर अगर लीफ के ऊपर सिम्टम शो कर रही है तो वो सबसे पहले अपियर किस पे होगा, लीफ के ऊपर ही होगा। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द डिसीज अपियर ऑन द लीफ एंड द लीफ शीथ एज ब्राउन स्पिंडल शेप्ड लीजन्स। द लीजन्स आर मोर और लेस आई और बॉट शेप्ड विद ए ग्रे और डार्क ब्राउन मार्जिन्स। मीन्स कि इसकी जो बोट शेप की मार्जिन्स ग्रे या फिर डार्क ब्राउन कलर की इस पे प्रेजेंट होगी। फर्स्टली ये लीफ के ऊपर शो करेगा और इसके जो लीजन्स हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होंगे। दी लीजर्स इन दी ओल्डर लीव्स रिमेन सर्कुलर बट ऑन दी यंग लीव्स दे इन लार्ज अप टू सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 1 सेंटीमीटर ब्रॉड। मीन्स के अगर हम बात करें कि ओल्ड लीजन्स और जो अभी यंग लीव्स के ऊपर लीजन्स है उसमें डिफरेंस कौन सा है, तो जो ओल्डर लीजन्स होंगे, जो पुराने लीजन्स पुराने लीव्स के ऊपर है, वो सर्कुलर होंगे और जो यंग लीव्स हैं वो क्या होंगे, सेंटीमीटर्स लाइंस में होंगे। दी ओल्डर स्पॉट्स आर सेंटर बिकम्स ग्रे और ऑलमोस्ट स्ट्रॉ कलर्ड। मीन्स जो अगर हम ओल्डर लीव्स का और जो न्यू लीव्स है उसमें डिफरेंस देखें तो जो ओल्डर लीव्स है उसका जो सेंटर है वो ग्रे कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्लास्ट जो डिसीज है राइस के जो कॉलर रीजन के ऊपर जो सिम्टम्स शो करेंगी, सबसे पहला सिम्टम उसके लीफ ब्लास्ट आ गया उसके लीफ रीजन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कॉलर ब्लास्ट, सेम ब्लास्ट का ही आगे ये पॉइंट है कॉलर ब्लास्ट के ऊपर। कॉलर रेफर्स टू द जंक्शन ऑफ द लीफ एंड द लीफ शीथ, इन्फेक्टेड एरिया अपियर ब्राउनिश बार्क एंड मे किल द होल लीफ। मीन्स कि अगर ये सबसे पहले इस जो ये डिसीज है आपके माइंड में उसी टाइम आ जाना चाहिए कि अगर हम राइस की जो ब्लास्ट डिसीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो ब्राउन कलर के लीजन्स फॉर्मेशन ही होगी, और जो उसमें कभी उसका जो सेंटर है वो ब्राउन हो सकता है, ग्रेश सेंटर हो सकता है, लेकिन लीजन्स की फॉर्मेशन होगी और मोस्टली वो ब्राउनिश ही होगा अगर वो कॉलर रीजन पे है, अगर वो उसके ब्लास्ट लीव रीजन पे है, ठीक है। तो कॉलर रीजन में क्या है, द कॉलर रेफर टू द जंक्शन ऑफ द लीफ एंड लीफ शीथ, इन्फेक्टेड जो कॉलर रीजन है उसका उस पे जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं वो क्या होगी, अपियर ब्राउन ब्राउनिश बार्क एंड मे किल होल दी लीफ। नेक्स्ट है नोड ब्लास्ट, सेम
अगर हम स्टेम की नोड्स की बात कर लें तो उसके बाद क्या है, द स्टेम नोड मे बी अटैक्ड एज द प्लांट अप्रोचेस मैच्योरिटी कॉजिंग द प्लांट टू द टू ब्रेक एट द पॉइंट ऑफ द इन्फेक्शन. डिसीज नोड्स नोड्स आर ब्राउन और ब्लैक. इसमें जो जब ये स्टेम के ऊपर स्टेम नोड में भी अटैक एज द प्लांट अप्रोचेस, ये आपको ना चीज आगे इसकी फिगर्स बड़ी अच्छी दी हुई है उस पर क्लियर आएगी. लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इस इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट वन डिसीज है ये शो करती है लीफ ब्लास्ट के ऊपर, उसके ओल्डर लीव्स के ऊपर भी और यंगर लीव्स के ऊपर भी. जो कॉलर ब्लास्ट है सेम ये फुली उसका जो होल लीफ है उसको डैमेज कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. नेक्स्ट नॉड ब्लास्ट की हम अगर बात करें तो नॉड ब्लास्ट में क्या है, अगर ये स्टेम के ऊपर भी अटैक करे तो उसकी जो मैच्योरिटी है उसको ब्रेक करेगी, प्लांट को पूरे को इन्फेक्ट कर सकती है और उसकी उसको जो सिम्टम शो करेगी वो ब्राउन और ब्लैक कलर का उसके नोड्स के ऊपर शो करेगी. अगर हम इसकी नेक की बात करें, शाहीन म्यूट योरसेल्फ. ओके, ये ब्लास्ट का नेक्स्ट आएगा. देखो अभी जो राइस ब्लास्ट की हम बात कर रहे हैं तो राइस ब्लास्ट डिसीज के आगे कॉमनली किस किस चीज पे अपने सिम्टम्स शो किए, उसने लीफ पे भी शो किया, उसने नेक रीजन पे भी शो किया है उसने, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो सारे रीजंस जो है इस पे भी आपका जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि कौन कौन से रीजन है जिस पे जो राइस ब्लास्ट है जो ऑर्गे पायरोक्लेरिया ग्रेसिया है वो किस किस पे सिम्टम शो करता है. तो डिसीज के सिम्टम लीफ ब्लास्ट भी हो सकता है, कॉलर ब्लास्ट भी हो सकता है, नॉड ब्लास्ट भी. इसमें आपको जस्ट एक एक दो दो पॉइंट मेंशन करने हैं लेकिन आपको ये चीज उसके टिपिकली नेम जो है वो क्लियर होनी चाहिए. फिर नेक ब्लास्ट भी हो सकता है, नेक ब्लास्ट में क्या होगा, ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स और रिंग्स आर फॉर्मड ऑन द रेचेस ऑफ द मैच्योरिटी मैच्योरिंग इनफ्लोरेसेंस, द नेक बिकम शेवरेड एंड कवर्ड विद द ग्रे फ्लफी माइसिलम. माइसिलम क्या होता है, जो फंगस में अगर हम आप माइसिलम वर्ड यूज करो तो ये फंगल डिसीज में ही आएगा. इसमें ग्रेइश कलर के जैसे राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. इफ द इन्फेक्शन हैज अकर्ड मच बिफोर द ग्रेन फॉर्मेशन, the later are not filled and the panicles remain erect, but if the attack takes place after some grains have formed on the panicle hang down, the stage of the disease causes maximum damage, the panicle branches and the glumules can also attack. means के जो neck blast है, अगर जो उसका neck reason है, आप अपने बॉडी पे ही बॉडी से ही आप इनके सिम्टम्स याद कर सकते हो कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगी. जैसे नेक रीजन अगर डैमेज है तो इसमें क्या है कि इसकी जो ग्रेन्स है उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, और वो जो सिम्टम्स शो करेंगे ब्राउन ब्लैक कलर के सिम्टम्स होंगे, जो ग्रेन्स हैं वो भी हैंग्स डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो स्टेज है this stage of the disease cause maximum damage. अगर neck blast तक disease का damage है तो maximum damage जो है neck blast वाली stage पे ही रहेगा. okay, ये first है neck blast figure. ये रहा जैसे ये पूरा नीचे से plant है, ये जो नेक ब्लास्ट है यहाँ से डैमेज हो गई, ये ब्राउन कलर का इसने सिम्टम शो किया और ऊपर से जो ऊपर वाला रीजन है जो ग्रेन फील्ड्स है टिलरिंग स्टेज है उस पे वो बिल्कुल नीचे को हैंग डाउन कर जाएंगे. ये रही पार्शली अनफिल्ड ग्रेन आफ्टर नेक ब्लास्ट, ये पार्शली अनफिल्ड ग्रेन्स, ये नेक ब्लास्ट कि ऊपर से बिल्कुल हैंगिंग डाउन हो गई इसकी. ये नॉट राइस शील्ड डिसीज सिम्टम्स. चलो ये तो आपने आपको या क्या थी नेक ब्लास्ट, ठीक है, ये है सिम्टम्स ऑफ डिसीज सिम्टम्स ऑन राइस लीव, जो उसका ब्लास्ट रीजन है उस जब वो लीव के ऊपर शो करेगा. नेक्स्ट डिसीज है, फर्स्ट डिसीज का पता चला आपको,
राइस की कौन सी डिजीज की आपने अभी? ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट मैम, कोलर ब्लास्ट, पैनिक हाँ, ब्लास्ट। उसमें क्या है अभी? आप सबसे पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म करोगे, फिर कौन कौन सी उसमें डिजीजेज आती है, उसमें मेनली आपको याद करना है लीफ नोड, ठीक है? ये सारा कुछ करके 2 2 3 3 आगे उनके जो पॉइंट्स है, किस रीजन के ऊपर डैमेज करती है, क्या करती है, ठीक है? अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज है जो शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट का जो है मैम उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जी, है, जस्ट वेट। हाँ जी बोलो। मैम डिजी साइकिल नहीं पढ़ना है मैम? यस डिजी साइकिल मैम, नहीं, डिसीज डिसीज साइकिल, आप इसकी बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है डिसीज साइकिल में। आपके क्या है कि इसके मेनली जो है वो आप कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स ही पढ़ोगे। जिसका डिसीज साइकिल इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको करवा दूंगी। ऑलमोस्ट जितने भी फंगल ओके डिसीजेज होते हैं ना, इसका कॉमनली एक डिसीज साइकिल करवाऊंगी मैं आपको। जितने भी फंगल डिसीजेज होते हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी डिसीजेज है ये फंगस डिसीजेज ही होगी। उसमें क्या है कि कोनिडिया फॉर्मेशन होगी, कुछ डिसीजेज है जो विंड के थ्रू ट्रांसफर होगी, कुछ डिसीजेज है जो वाटर के थ्रू, रेन वाटर के थ्रू ट्रांसफर होगी। तो इसका जो लाइफ साइकिल है ऑलमोस्ट सभी का सेम ही रहता है। मैं कॉमनली फंगल डिसीज का एक लाइफ साइकिल करवा दूंगी आप लोगों को, ओके मैम। ठीक है? चलो नेक्स्ट है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म रहेगा राइजोक्यूटोनिया सोलानी खू कॉजल ऑर्गेनिज्म। इसके सिम्टम्स पे आए हम। सिम्टम्स क्या है ये हम कर रहे हैं शीत ब्लाइट सेकेंड डिजीज जो है राइस की। दी लीजन्स आर यूजली ऑब्जर्व ऑन दी लीफ शील्ड, मीन्स के फर्स्ट जैसे राइस ब्लास्ट ब्लास्ट में था जो उसके भी लीजन जो उसमें ब्राउन स्पॉट्स बने हुए थे वो सबसे पहले किस स्टेज में थे? लीफ में। उनमें डिफरेंस बताया था कि ओल्ड लीव्स में है या फिर जो उसके यंगर लीव्स हैं उन पे है। इसमें क्या है, दी लीजन्स आर यूजली ऑब्जर्व ऑन दी लीफ शील्ड, ठीक है? ऑल द लीफ ब्लेड्स मे ऑल्सो बी इफेक्टेड। द इनिशियल लीजर आर स्मॉल एप्लॉइज और अवॉइड ओवल शेप की होगी, अवॉइड एंड ग्रीनिश ग्रे एंड यूजली डेवलप नियर द वाटर लाइन इन द लो लैंड फील्ड। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे इन लार्ज एंड मे कॉलेक्स फॉर्म बिगर लीजन्स विद इररेगुलर आउटलाइन एंड ग्रेश वाइट सेंटर विद डार्क ब्राउन बॉर्डर। द प्रेजेंस ऑफ द सेवरल लार्ज स्पॉट ऑन द लीफ शील्ड यूजली कॉज द डेथ ऑफ द होल लीव्स। मीन्स कि अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले क्या है, इसकी जो इनिशियल स्टेज है उस पे आपके जो है स्मॉल जो लीजन की फॉर्मेशन होगी वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है? लिप्सॉइड शेप के भी हो सकते हैं। तो मेनली इनका इसमें अभी ब्राउनिश कलर नहीं है। जो शीत ब्लाइट में अगर आपको क्वेश्चन आए कि शीत ब्लाइट एंड राइस ब्लाइट के जो सिम्टम्स हैं इनमें जो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, तो इसका क्या है, ये स्मॉल होंगे पहले, ठीक है? अवॉइड शेप के भी हो सकते हैं, ग्रीनिश ग्रे कलर के होंगे, ठीक है? और ये डेवलप होंगे नियर दी वाटर लाइन इन दी लो लैंड फील्ड। मीन्स के लो लैंड फील्ड में ये अंडर दी फेवरेबल कंडीशन, अगर इनको अच्छी कंडीशंस इनकी ग्रोथ की मिले, मतलब इनकी फेवरेबल कंडीशन हो, तो ये इनलार्ज होंगे, इररेगुलर आउटलाइन होगी, फिर क्या होंगे, ग्रेश कलर के हो जाएंगे, उसके बाद ग्रेश वाइट सेंटर विद डार्क ब्राउन बॉर्डर्स हो जाएंगे इनके। मीन्स के जो सेंटर है वो ग्रेश वाइट कलर का रहेगा और जो इनके बॉर्डर लाइन है वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाएंगी। और इस डिसीज में क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सेवरल लार्ज स्पॉट ऑन द लीफ शील्ड यूजली कॉजेज दी डेथ ऑफ दी हॉल लीफ। मीन्स के अगर ये सिम्टम्स ऐसे बढ़ेंगे तो इसमें मेनली जो होल लीफ है उसकी डेथ होगी इस डिजीज में शीथ ब्लाइट। नेक्स्ट है ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट का क्या है, अभी इसमें जैसे ये क्वेश्चन अगर शीथ ब्लाइट की बात करें तो शीथ ब्लाइट में आपका जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का डायरेक्टली नहीं बन सकता। जैसे राइस ब्लास्ट था उसमें पता चलता था कि आपको बन सकता है, अगर इसका क्वेश्चन किसी और के साथ आएगा तो ये मिक्स होके क्वेश्चन आएगा।
फिर है जैसे ब्राउन स्पॉट, इसका क्या है सबसे पहले क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, पॉलरिस ऑरिजा, पॉलरिस ऑरिजा, इसको बाई पॉलरिस ऑरिजा भी बोल देते हैं, ठीक है। कई बार कहीं कहीं आपको लिखा इसका मिलेगा पॉलरिस ऑरिजे, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि बाई पॉलरिस ऑरिजे, तो ये भी फंगस डिसीज ही होगी। इसके जो हम सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। द सिम्टम ऑफ द डिसीज आर ऑन द लीव्स एंड द ग्लोम्यूल्स, ठीक है। जो इसके जो सिम्टम्स शो करेंगे, जो सिम्टम्स शो करेंगे ये मेनली, अभी तीनों में क्या है, तीनों में ही लीव्स के ऊपर सिम्टम्स होंगे। जो फर्स्ट जो सिम्टम्स है लीव्स के ऊपर ही शो करेंगे, जो जैसे राइस ब्लाउट ब्लास्ट है उसमें ब्राउन थे, सेकंड में उसका वाइट सेंटर आ गया, ठीक है, ग्रीनिश कलर के सिम्टम्स आ गए थे। इसमें भी क्या है, जो मेनली जो सिम्टम्स है ये लीव्स के ऊपर शो करेंगे। सिम्टम्स मे ऑल्सो अपियर ऑन द कॉलियोप्टाइल लीव शील्ड, पैनिकल ब्रांचेस एंड मोर रेयरली ऑन द रूट्स ऑफ यंग सीडलिंग एंड द स्टेम्स। टिपिकली स्पोर्ट्स ऑन द लीव, मेनली जो सिम्टम्स हैं ज़्यादातर जितने भी डिसीज के देखे जाते हैं ब्राउन स्पॉट के, ये लीव्स के ऊपर ही होते हैं। अगर रेयरली कभी कभी होते हैं कि उसकी जो स्टेम्स हैं या उसकी जो ब्रांचेस हैं उसके ऊपर हो, अदरवाइज क्या है जो मेनली जो सिम्टम्स है उसके लीव्स के ऊपर ही शो करते हैं। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो राइस की डिसीजेज हैं उनके जो राइस की जितनी भी डिसीजेज हैं वो अपने जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो कैसे आएगा इसका, जो मेनली जो सिम्टम्स हैं वो अपने लीव्स के ऊपर ही शो करते हैं। टिपिकली स्पॉट्स ऑन द लीव्स आर ओवल अबाउट द साइज एंड द शेप ऑफ द सेसम सीड, मतलब इतने साइज के होते हैं जैसे सेसम के सीड्स होते हैं ना, उतने साइज के ओवल शेप के हो गए। इसमें अभी लीजन्स की फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, इसमें क्या है टिपिकली टिपिकल स्पॉट्स होते हैं लीव्स के ऊपर ओवल शेप के, ठीक है। दे आर रिलेटिवली यूनिफॉर्म एंड फेयरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लीव सरफेस, मीन्स के ये क्या है यूनिफॉर्मली डिवाइड होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म प्रेजेंट होते हैं एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लीव सरफेस के ऊपर। द स्पॉट्स आर ब्राउन विद ग्रे और वाइटिश सेंटर व्हेन फुली डेवलप्ड, मीन्स के जब ये डिसीज पूरी फुली